हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाया था कि मैं बंजारा मार्केट हॉल, मतलब इससे पहले मैंने आपको एक बंजारा मार्केट टूर दिया था। सो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैंने बंजारा मार्केट से क्या क्या बाय किया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। सो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, बट पता नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का, लेकिन फाइनली आज मैंने ये वीडियो बना दी है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने वहाँ से क्या बाय किया और क्या प्राइस में बाय किया है। जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है दिस कोस्टर्स। ये कोस्टर मैंने वहाँ से लिए। ये कोस्टर नॉर्मली शायद हमें अमेज़ॉन में मिल जाएंगे। ये अमेज़ॉन में जो इसका प्राइस है, मैं आपको बता दूँ, मैंने इसे चेक किया कि अमेज़ॉन में इसका प्राइस क्या था क्रॉस चेक करने के लिए आफ्टर बाइंग दिस। सो इसका प्राइस था 800 समवेयर, तो लेकिन मुझे 800 और 700 भी था, ऐसे कुछ था। दो पैटर्न अलग अलग की वजह से प्राइस अलग अलग थे, लेकिन ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ में, एक, नॉट फोर ऑफ देम, सिर्फ एक मुझे 50 रुपीज़ में मिला है। तो ये मुझे चार मिले हैं, 200 रुपीज़ में मुझे ये फोर मिले, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने इसे ज़्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सी ये काफ़ी हैवी भी है। सो ये मूव भी नहीं कर रहे। आप रखोगे कुछ तो ज़्यादा जो हल्के होते हैं ना वो मूव करते हैं वो कोस्टर्स, बट ये कोस्टर्स मूव भी नहीं कर रहे हैं। सो सबसे अच्छी बात ये है इसकी। तो ये मैंने 200 रुपीज़ में बाय किया है। इसके बाद का जो मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ वो है ये बैम्बू प्लांट। एक्चुअली ये बंजारा मार्केट का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ लाने के, ये यहाँ पर भी मिल जाता है, बट लेकिन ये मुझे वहाँ पर 150 रुपीज़ का मिल गया था, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। सो और मुझे अच्छा भी लग रहा था, ये नॉर्मल बैम्बू प्लांट से थोड़े सा लंबा लग रहा था, जितना मेरे पास है उससे थोड़े लंबे लग रहे थे। सो मैंने एक बाय कर लिया, तो 150 रुपीज़ में। आई डोंट थिंक कि ये मेरी बहुत बुरी डील है, अच्छी डील है, मतलब यहाँ पर इसका प्राइस शायद 200-300 इसी के अराउंड बाय है। सो या ये मैंने वहाँ से बाय किया, लेकिन जब मैं वहाँ से इसे ला रही थी तो मैंने इसका वाटर निकाल के सिर्फ ये पॉट और सिर्फ प्लांट रखा, सो दैट कि पानी वानी ना गिरे गाड़ी में। उसके बाद जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है जो मैंने बंजारा मार्केट से बाय किया है वो है दिस पॉट। ये प्लांट का पॉट है, आपको पता ही है, तो मैंने ये लिया है, मनी प्लांट वगैरह कुछ भी इसमें मैं रख दूँगी। सो ये मैंने लिया है 100 रुपीज़ दिस। सी जो ये कहता है ना कि उनको बहुत सस्ते में 50 रुपीज़ में एक पॉट मिल गया, 40 रुपीज़ में एक पॉट मिल गया, ये एकदम बहुत बड़ा वाला झूठ है। इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता वहाँ पर, मेरे को तो वहाँ ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो आई डोंट से दैट कि ये इतने सस्ते मिल सकती है चीज़ें, लेकिन यहाँ 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ तक शायद वो इसे कर देंगे, उससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो मैंने ये 100 रुपीज़ में ऑप्ट किया और इसे भी मैंने 100 रुपीज़ में ऑप्ट किया, सो 200 रुपीज़ मैंने इसके दिए। और एक्चुअली मैं इसके शायद वो 170 ऐसे ही कुछ अराउंड बाई बता रही थी एक का, सो लेकिन मैंने जब उसे 70 का वो नहीं मानी, फिर मैंने 100 में इसे लास्ट कर दिया। लेकिन ये मुझे दोनों सेम नहीं मिले, दोनों ये अलग अलग है। सो मैंने लेकिन ले लिया क्योंकि दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मिक्स मैच करके अच्छे लगेंगे। क्या प्रोडक्ट आ रहा है, अमेज़ॉन का हॉल करती रहती है, सब प्रोडक्ट मुँह पे आता है। तो ये उसके बाद जो मैंने बाय किया वो है दिस बर्नी। सो ये जो बर्नी है ये मैंने लिए 50 रुपीज़ की एक, तो 200 रुपीज़ की मुझे ये दो मिली है। सो मुझे लगता है ये ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ की दो, बहुत छोटी छोटी टाइनी टाइनी सी, ये डाइनिंग के ऊपर रखने के लिए मैंने ले ली और मुझे बहुत अच्छी सी क्यूट सी लग रही थी, लेकिन मुझे एक्चुअली इससे बड़ी चाहिए थी, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं इससे बड़ी ले लूँगी। मैंने बाय किया ये लैम्प शेड, सी ये वुड का काम है इसमें, नीचे ऐसे पूरा वुड का, ये थोड़ा सा यहाँ से डिफेक्ट है शायद इसमें, और ये पूरा ऐसा है। इसमें मैंने लाइट भी बल्ब भी लगा दिया है मैंने इसमें। सो ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे ले लिया। इसका जो प्राइस, इसका जो काम है ना वो बहुत क्लीन काम है, ऐसा कोई ख़राब काम नहीं है, और लैम्प शेड अच्छा भी बहुत लग रहा है। इसको वो बता रही 1400 या 1500 ऐसे ही कुछ बता रही थी, लेकिन मैंने इसको लिया 800 रुपीज़ में। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें ज़्यादा पे करके आई हूँ या कम पे करके आई हूँ, मुझे इसमें डाउट है कि कहीं मैंने, मतलब नॉर्मली शायद 800-900 के लैम्प्स मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था, इतना ये वुड का काम है, ये लैम्प शेड है और बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था, सो मैंने ले लिया।
गाइस, दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट विच आई ब्रॉट इट फ्रॉम बंजारा मार्केट। सो आप देख सकते हो ये मिरर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। माई गॉड, इससे हाफ मिरर, मैं इससे आधा मिरर होगा जो मैंने इससे अमेजोन से बाय किया था, और वो विच हैज़ कॉस्ट मी अराउंड 2600 रुपीज़। और इतने साइज़ का मिरर अगर आप शोरूम में जाके लोगे तो आपको मिलेगा, इसका जो प्राइस होगा वो अराउंड 7000 का होगा, लेकिन ये मुझे सिर्फ 2300 रुपीज़ में, 2300 रुपये में मुझे ये मिला। और इसका प्राइस वो जो लगा रहे थे, वो लगा रहे थे 3500, मतलब 3500 रुपये का लगा रहे थे, लेकिन ये बहुत ही मुझे ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है और सच में ही बहुत अच्छा है। वुड वर्क है, वुड का फ्रेम है जो कि इसको और अच्छा बनाता है, और मिरर तो लॉन्ग है ही है। सो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।